नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अगस्त बुधवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कार्मिक विभाग ने 116 सेवा नियमों में संशोधन कर सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार 1 जून 2002 के बाद पुनर्विवाह सिंगल डिलीवरी से तीसरे संतान हुई है तो वह दंड नहीं है। ऐसा सरकारी कर्मी प्रमोशन के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। संशोधन के तहत लाइब्रेरियन ही नहीं सभी तरह के सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। दरअसल इस बारे में कोर्ट में फैसला हुआ था। फैसले में 1 जून 2002 के बाद में 2015 से पूर्व पुनर्विवाह के मामलों में कोर्ट ने राहत दी थी। जयपुर जिले के सुभाष चौक इलाके में पटाखा कारखाने में आग लग गई। लापरवाही में एक व्यक्ति की जान चली गई। अनिल अग्रवाल ने पूर्णिमा फायर वर्क्स के नाम से लाइसेंस ले रखा था। शर्तों के मुताबिक लाइसेंस किसी अन्य को नहीं दे सकते, लेकिन अनिल की जगह दीपक व अनिल अग्रवाल इसका संचालन कर रहे थे। पूर्णिमा फायर वर्क्स की खास जी का रास्ता में गोदाम लाइसेंस मिला था, लेकिन अवैध रूप से इसका संचालन सुभाष चौक इलाके में किया जा रहा था। इसी लापरवाही से कमलेश पासवान की झुलसने से मौत हो गई। एडीसीपी अंजय लांबा ने इस मामले में कहा कि कारखाना संचालक व बीट कांस्टेबल ने खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही जांच के बाद पटाखों का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। जैसलमेर जिले के पारवीर पंचायत में एसीबी की टीम पहुंची। यह टीम पंचायत विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर पहुंची थी। उप अधीक्षक अनिल पुरोहित के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचायत विकास कार्यों की जांच की। अनिल पुरोहित ने बताया कि पंचायत विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक विभाग की कार्रवाई जारी थी। श्रीगंगानगर जिले में बढ़ता कोरोना रोगियों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में जिले में 22 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि विनोबा बस्ती से 5, प्रेमनगर से 4, जवाहर नगर सेक्टर 7, अग्रसेन नगर में 2-2, जवाहर नगर सेक्टर 2, पुरानी आबादी वार्ड नंबर 17, चांदनी चौक वार्ड नंबर 4, गुरुनगर वार्ड नंबर 6, पटेल नगर वार्ड 16, रॉयल सिटी कॉलोनी सिविल लाइन गुरु नानक बस्ती जयसिंहपुर वार्ड 8 से एक एक कोरोना रोगी सामने आए हैं। अजमेर जिले के क्रिश्चियनगंज थाना में एक व्यक्ति ने शेयर मार्केट में लाभ का लालच देकर ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित किशन दाड़ी ने गुजरात में 3 बदमाशों पर 76 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोटा जिले के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में बच्चे का मिले शव की पहचान हो गई है। पुलिस ने बताया कि बच्चे की पहचान 8 वर्षीय साबिर के रूप में हुई है। मृतक बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सीवरेज प्लांट के हौद में एक बच्चे का शव मिला था। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र से अपहृत हुई महिला स्वयं थाने पहुंच गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को भरतपुर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। समिति अध्यक्ष ने महिला को बाल सुधार गृह भेजा है। पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त की रात महिला घर से लापता हो गई थी। महिला के ससुर ने पुलिस थाना में 2 युवकों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के मतोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती का एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। परेशान युवती ने 3 अगस्त को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवती की मौत के पश्चात उसकी बड़ी बहन ने अपने माता को बताया कि पीड़िता को ब्लैकमेल कर कुछ युवक लगातार दुष्कर्म कर रहे थे, जिसे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़िता के पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने तुरंत मतोड़ा थाना अधिकारी के सामने परिवाद पे। संस्कृत शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देववाणी मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप की लॉन्चिंग कल शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने की। यह ऐप कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय के लिए SSIIRT महापुरा की ओर से तैयार किया गया है। यह ऐप विद्यार्थी गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में धार्मिक स्थल बंद है। इसके बावजूद मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन यात्रु पहुंच रहे हैं। यात्रुओं के साथ साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मसूरिया को बफर व कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगा दिया गया। आवाजाही वाले मार्गों पर पुलिस व होमगार्ड तैनात कर दिए हैं।
जिला फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने फिल्म स्टार सलमान खान की हत्या के लिए मुंबई में रैकी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक राहुल नाम के गुर्गे से मुंबई में सलमान खान की रैकी करवाई थी। पुलिस का दावा है कि आरोपी राहुल ने कबूल किया है कि वो जनवरी में मुंबई गया था। वहाँ वो करीब 3 दिन रहा और उसने फिल्म स्टार सलमान खान की रैकी की, जिसके बाद राहुल वापस राजस्थान आया और अपने गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात की। लेकिन कुछ दिनों बाद कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लग गया और सारी गतिविधियाँ रुक गई, जिस वजह से उनका प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जल्द ही ऑक्सीजन युक्त बेड की बढ़ोतरी की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा जोर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने पर है। ऐसे में रात में ऑक्सीजन के सैचुरेशन कम होने के कारण मरीजों को ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसे में सभी अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी और स्टाफ लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन ड्यूटी देने वाले नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकल पीठ ने ये आदेश जितेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि याचिकाकर्ताओं का चयन साल 2016 में हुआ था। राज्य सरकार ने मार्च 2016 में चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किए। याचिका में कहा गया कि अधिक मेरिट होने के बावजूद अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के अनुसार मंडल आवंटित नहीं किए गए। धौलपुर जिले के सैपऊ में पक्का मकान ढहने से हादसा हो गया। मकान ढहने से परिवार के लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना दोनारी गांव की है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।